चल चल शाबाश शाबाश रैम्बो। और ये बहुत सही हुआ मेरे साथ, मेरे पैर सारे पानी में जा चुके हैं और बहुत अच्छा। तो फाइनली आई एम इन कसौल आफ्टर राइडिंग फॉर 300 किलोमीटर्स। तो हेलो नमस्ते सस्रेकाल अदाब मेरी तरफ से, कैमो कैम ही होने चाहिए थे काटो फुल्लां थे। आज हम जा रहे हैं जी कसौल, जिसको बहुत नामों से जाना जाता है लेकिन हमारे लिए वो कसौल ही है। दिस इज़ आर फर्स्ट विजिट टू कसौल और फर्स्ट राइड है सोलो कसौल पे। ये हमारा बाइक है, ये हमारा गोप्रो का सेटअप है जिससे हम मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं, और ये हमारा बैग है जिसमें हम अपना सारा जो राइडिंग गेयर्स है जो हमारा सामान है और कैमरा वगैरह सब इसमें हम रखने वाले हैं। इसके बाद ये इस वीडियो को एंड करके उसके बाद हम करेंगे मोटो व्लॉगिंग और फिर हम खीरगंगा भी जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे, तीन चार दिन लगाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ हम विजिट कर सकते हैं। तो राइडिंग जैकेट है जो वो मैंने पहन ली है, जो राइडिंग शूज़ है वो इसलिए नहीं मैं कैरी कर रहा क्योंकि बहुत बड़े हैं, काफ़ी जगह घेरे थे वो, तो बाकी कपड़े नहीं आ रहे थे उस चक्कर में। तो इसलिए हमारा बाइक रेडी है और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ से विदा लेते हैं। आपको मिलते हैं रास्ते में मोटो व्लॉगिंग के जरिए। ऑलराइट, सी ऑन माय वे। ड्रोन ड्रोन उड़ाएंगे, देखते हैं, बाय बाय। तो ये खरड़ का कह लीजिए, कुराली का बहुत ही नैरो सा ब्रिज, काफ़ी नैरो है, तो यहाँ पे थोड़ा बच के चलाइए, सेफली चलाइए क्योंकि वन वे है, तो काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ आती हैं सामने से। तो ये गाड़ी वाला एकदम से सामने आ गया, दिस इज़ नॉट डन ब्रो। अब अगर टोल की बात करें तो एक टोल पीछे आया था न्यू चंडीगढ़ के पास कुराली से पहले, एक टोल अब इस पे आएगा रोपड़ वाली रोड पे, लेकिन ड्यू टू किसान प्रोटेस्ट टोल्स बंद हैं। बाइक पे तो वैसे भी नहीं लगता, गाड़ियों पे लगता है, तो टोल्स वैसे भी क्लोज हैं, तो नॉट एन इशू टू वरी फॉर द टाइम बीइंग। ऑलराइट, तो फिलहाल एक जूस ब्रेक ऑन द वे टू मनाली। जब भी आप इस रोड पे आए विंटर्स में, आपको बहुत अच्छे अच्छे जूस वाले स्टॉल्स मिलेंगे और जूस बहुत ही प्योर होता है। देखिए आप जैसे बन रहा है मेरे सामने, कीनू ही कीनू पड़े हैं, हमने रिफ़िल भी करवाना था, ये पेट्रोल पंप है, तो थोड़ा भी आगे आगे देखते हैं, या तो यू टर्न मारेंगे, नहीं आगे कोई पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ से डलवाएंगे। तो ये जूस बन रहा है हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गेड़े गेड़े में। तो गाइस, जो मैं आपको व्यू दिखाने के लिए रुका हूँ इस रोड पे कीरतपुर से जस्ट 5 किलोमीटर पहले, वो व्यू देखिए आप, नीचे है जी सतलुज और उसका फ्लो देखिए, देख सकते हैं आप कितना फ्लो है इसका, मतलब देख के डर लग रहा है। और इसकी दूसरी साइड जाएंगे ना आप, देखिए पानी कितना तेज जा रहा है, तो इसकी दूसरी साइड जाएंगे ना उस साइड, उधर से तो भाखड़ा भी निकल रही है उस साइड, इस सतलुज के बीच में से भाखड़ा निकल रही है पुल के ऊपर से। तो ये देखिए कितना फ्लो है इसका पानी का तेज। अभी मैं पुल पे खड़ा हूँ और पुल जो है वो काम पर है लिटरली, जब ट्रक निकल रहे हैं तो वो खड़ी अपनी बाइक, अब बाइक उठाएंगे और फिर सीधा निकल जाएंगे मनाली की ओर। ये हमारी बाइक, ऑल सेट टू राइड विद अस, शाबाश। तो ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच लद्दाख वाली फीलिंग दे रहा है, सड़क काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, मैं जब लास्ट टाइम आया तब भी ख़राब थी, अब तक ये बनी नहीं है, पहले इससे बढ़िया हालत में थी शायद ही, चलो शायद थोड़ा सा ही पैच था ये जो निकल गया है। तो मेरे सामने देखिए जी आप, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, धूल ही धूल, सड़क अभी तक बन रही है इस वजह से मिट्टी मिट्टी धूल ही धूल, तो इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपने को तंग करेगी बस सारे रास्ते, कहीं भी रोक लेते हैं, कहीं भी ब्रेक मार लेते हैं। तो ये वो हाईवे है जिस पे मैं रुका हूँ, ये वो सड़क है, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच इस रास्ते से मैं आया हूँ और इस रास्ते में जाने वाला हूँ। ये रास्ता सीधा जाता है मंडी, कुल्लू और मनाली, वेरेवर यू वांट टू गो, दिस इज़ द रोड। और ये रोड जाता है चंडीगढ़ को। ये हमारी बाइक खड़ी है लदी हुई, बैग अभी पैक्ड है, वहीं जाके खोलेंगे क्योंकि इसको बार बार उतारना चढ़ाना इज़ नॉट ईजी। और ये मेरे पीछे का व्यू है, ये ढाबा है जहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ, तो कुछ खा के आपसे मिलते हैं फिर से, वील कंटिन्यू द जर्नी जैसे कर रहे थे उससे और बरकरार करेंगे और जोश के साथ आगे चलेंगे। तो लेट्स बाउंस एंड यू हैव समथिंग टू ईट। तो ये आ गया जी खाना, ये है आलू जीरा की सब्ज़ी, ये है दाल, ये है सलाद मूली का, और ये हमारी तंदूरी रोटी। खाना देख के तो मुँह में पानी आ गया क्योंकि वैसे सुबह से कुछ नहीं खाया और इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं इसको जल्दी जल्दी खा लूँ उसके बाद निकलूँ सफर पे। ठीक है जी, ये है मेरा फूड फॉर टुडे। तो हैड द फूड वॉज वेरी नाइस, नाउ इट्स टाइम टू बाउंस बैक। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की और दैट इज़ कसौल, अब वहाँ मिलते हैं रास्ते में जाके। ये ढाबा है बिलासपुर से पहले पड़ता है, ऑसम फूड। नाउ वी आर ऑन आवर वे टू कसौल। ऊपर से जाएगा जहाँ पे पानी है, ग्राउंड है, बाय बाय। ये जो बीच में बजरी पड़ी है ना पत्थर, इस पे बाइक स्लिप होने के चांसेस होते हैं अगर तुम्हारे टायर अच्छे नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा ऑफ रोड पैच,
सर बढ़िया, हमारी लद्दाख की प्रैक्टिस हो रही है। सड़क बहुत ही नैरो है, तो मैं कह रहा था रैम्बो भी खुश है और मोगैम्बो भी खुश है। वो ग्राउंड है नीचे गोविंद सागर का, वहीं जाना है, तो एक नया एक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल गोविंद सागर के पास जाएंगे हम, तो काफ़ी ऑफ रोड है ये, नया लद्दाख डिस्कवर कर लिया मैंने। ये देखो हमारी बाइक कहाँ चल रही है, उबड़ खाबड़ में पूरी। ये देखिए मेरे सामने जो व्यू है, इसी के लिए मैं नीचे आया हूँ। तो मेरे सामने का व्यू देखिए आप, मैं हेलमेट नहीं उतार रहा हूँ फिलहाल ताकि पूरा दिखे आप लोगों को। और ये देखिए नीचे पानी है सतलुज और ब्यास का, तो ये है गोविंद सागर लेक। ये सारा आसपास वो बिलासपुर, ये सारे पहाड़ है मेरे आसपास। तो अब मैं गोप्रो बंद करता हूँ, इसके बाद हम उड़ाते हैं ड्रोन, तो ड्रोन शॉट लेके दिखाता हूँ। Have to stay afloat, it's noisy. Be a person you don't want. Can somebody take me of the thing I'm going to do? Going to do. Where's the lifeline? Where's my shy? Is this call living? I don't know, I don't know. Where's the lifeline? तो वो देखिए गोविंद सागर लेक में बोटिंग भी हो रही है, काफ़ी लोग बैठे हैं इसमें, और एक बोट उधर से आ रही है, तो बोटिंग भी कर सकते हैं आप लोग। चलो अब यहाँ से विदा लेता हूँ मैं, जाने का टाइम आ गया। तो सवाल तो वहाँ से हम लोग आए हैं अभी पीछे से, और ये काफ़ी नामुमकिन सा रास्ता है, लेकिन हमें मंजूर है, मैं जाऊँगा इसी से ही, देखते हैं क्या बनता है। तो बाइक की तो वाट लगने लगने वाली है, साथ में मेरी भी वाट लगेगी। कम ऑन लेट्स डू इट, कम ऑन कम ऑन। बाइक घुसा तो ली है, तो इस पत्थर को साइड कर देते पहले। तो अभी थोड़ा जोर मारते हैं, चल चल शाबाश शाबाश रैम्बो, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन, चलो चलो शाबाश। ओह फक, आगे वाली रोड तो और खतरनाक है। तो ये हम फाइनली निकल गए हैं, मेरे पैर देखिए, पूरे पूरे। तो फिलहाल बालों की बच चुकी है बैंड, और मैं रास्ते में रुका हूँ एक जगह आपको दिखाने के लिए स्पेशली। ये नीचे है ब्यास रिवर, इस पर पानी देखना डैम बना हुआ है, कोल डैम, और इसका पानी देखना कितना फ्लो है इसका, मैं वो स्पेशली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रुका हूँ, वो फ्लो पानी का जो इस डैम से आ रहा है, तो देखना बहुत ही खूबसूरत सीन है। तो देखो मेरे पीछे, मैं अब दूसरी साइड करके दिखाता हूँ कैमरा। तो ये देखिए पानी कितना तेज़ आ रहा है, दो ही गेट खोल रखे हैं इसके, बाकी सारा बंद है, तो ये सारा पानी इधर से इधर जा रहा है। वो ब्रिज है जो मनाली को जाता है, और ये सारा रास्ता बंद कर रखा है इधर से। तो जाम ही जाम, आप देख सकते हैं कितना जाम है इस रोड पे,
सारी सड़क टूट रखी है, ऐसी सड़क है सारी मंडी से कुल्लू मनाली तक 89 किलोमीटर है कसौल यहाँ से, और 4 लेन बन रही है, पता नहीं उस वजह से टूट रखी है। तो आप देखिए सड़क का बुरा हाल हो रखा है, खड्डे ही खड्डे। वो तो धन्य हमारी बाइक जो इस गड्ढों को सह रही है, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग है और काफ़ी धूल मिट्टी भी है, तो थोड़ा वाइज़र भी खोलना पड़ रहा है क्योंकि धूल जम रही आके देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो काफ़ी नैरो सड़क है, पीछे सड़क फिर भी ठीक थी थोड़ी सी, ये तो जो स्टार्टिंग वाली है उससे भी बहुत खस्ता हालत में है। ये सब काट रखा है, पता नहीं कब जाके बनेगा 4 लेन और कब जाके लोग सुकून से जा पाएंगे मनाली थोड़े टाइम में। यहाँ से एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 2 घंटे 50 मिनट। मनाली के लिए भी रोड यही है, कसौल के लिए भी यही है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू पहुँच के भुंतर के लिए सड़क मुड़ती है, कुल्लू से आगे भुंतर, भुंतर से कसौल के लिए चेंज होता है रूट। तो काफ़ी ऑफ रोड है, आप देख सकते हैं ट्रक की ट्रक, और सड़क का बहुत बुरा हाल है। अक्सर अच्छे अच्छे मंजिलों के लिए ऐसे ही रास्ते होते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, तो अगर मंजिल खूबसूरत होगी तो ऐसे ऐसे रास्ते तो ज़रूर होंगे, नहीं तो फिर उस जगह की खूबसूरती का आप एहसास नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले ही आप अगर खूबसूरत जगह से जाओगे तो दूसरी खूबसूरती की वो अहमियत नहीं रहेगी। तो इसीलिए फ़िलहाल रास्ता ऐसा है, मंजिल बहुत खूबसूरत है, पहली बार ही जा रहा हूँ कसौल दैट टू बाइक पे, तो जाके मिलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है कसौल, आपको भी दिखाएंगे, लेट हो जाएगा कोई ना, वहीं है 2-4 दिन अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अब जाके मिलते हैं कसौल। तो यहाँ पे रास्ता हो रखा है बंद, आप देख सकते हैं सामने, क्योंकि सामने कुछ लैंडस्लाइड या पत्थर पुथर गिरा है उसको साफ़ कर रहे हैं ये लोग। तो मेरे पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं A to Z, हम सबसे आगे खड़े हैं, बाइक के कुछ एडवांटेज भी है, अभी खुलेगा 10-15 मिनट में, रास्ता साफ़ कर रहे हैं। ये जो मेरे सामने मैटीज़ कार जा रही है ना, HP नंबर 33 नंबर, पता नहीं कहाँ का नंबर है, जहाँ का भी है, लोगों में बिल्कुल सब्र नहीं है। ये गाड़ी वाला तब से हॉर्न मारी जा रहा था खोलो खोलो खोलो, कि सभी लोग खड़े हैं तो अकेला तो खड़ा नहीं है, ठीक है, लोगों में बिल्कुल सब्र नहीं, पता नहीं कहाँ पहुँचना है ऐसा, इसने अगले मोड़ पे जाके रोक लेगा गाड़ी, मेरे को पता है ऐसे लोगों का। तो उस टाइम में मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, गुस्सा मेरे को ऐसे लग रहा था इसको बोल दूँ समझा दूँ कि भाई क्या जल्दी है, इतने में चलो उसने रास्ता ही खोल दिया बेचारे ने, अब उनकी ड्यूटी है वो रास्ता बंद करके खड़े हैं, पर इनको अकल नहीं है लोगों में कि कोऑपरेट कर ले थोड़ा सा, पता नहीं कौन सी मंजिल में पहुंचना है इन्होंने ऐसा, कि 10 मिनट लेट पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, अब सभी खड़े हैं सब्र कर रहे हैं, तो अकेला तो होनी है तुम जैसी जगह फंसे हुए हो, तो प्लीज़ यार गाइस कोऑपरेट करना चाहिए, जो भी लोग कर रहे हैं यार आध रात को काम कर रहे हैं, उनका कौन सा दिल करता है क्रेन लेके लगे हुए पत्थर पुथर हटाने, अगर परमानेंटली बंद हो तो फिर कौन सा जा पाते ना आते अगले साफ करने क्लियर करने रास्ता, और फिर भी लोगों को वही है कि बस पहुँचना है, बाकी स्टे काम वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी, जज्बात बहक जाता हूँ मैं, ठीक है जी, ऐसे लोगों को देख के थोड़ा गुस्सा आता है, तो चला गया वो, नहीं तो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं मुझसे, चलो कोई ना। ये सड़क मतलब अब ये लगा लीजिए जितना चंडीगढ़ से हाफ वे आए उसके बाद ये वाली सड़क है ना, जो इसने पूरी ओके रिपोर्ट करवा दी है, तसल्ली करवा दी है, इनको ही चक्कर नहीं, मंजिल पे तो पहुंचना है जैसे आपको पहले बोला था, मंजिल बहुत खूबसूरत है, सफ़र बेशक ना हो जज्बा और जुनून ऐसे ही होना चाहिए एक ट्रैवलर का, इफ़ यू हैव टू बी अ ट्रैवलर दैट टू ए बाइक राइडर, तो यही जज्बा होना चाहिए, थकने का नहीं, एनर्जी इतना अंदर होना चाहिए, देखो आपके एक बार ही खाना खाया है लेकिन जो अंदर एनर्जी है एक बाइकर वाली वो बरकरार रहनी चाहिए। गाड़ी में तो कोई भी आ जाता है, गाड़ी में भी चलो थोड़ा आराम होता है लेकिन बाइक तो कम आरामदायक होती है, गाड़ी थोड़ी आरामदायक होती है, आराम से बैठ के आप आ जाते हो, ठंड नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, 4 टायर है ज़्यादा दिखता है, लाइट्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन बाइक बाइक है, एंड अ बाइकर ओनली नोज द वैल्यू ऑफ बाइक, और ये बहुत सही हुआ मेरे साथ, मेरे पैर सारे पानी में जा चुके हैं और बहुत अच्छा, ये आप देख सकते हैं कितने खड्डे हैं इस रोड पे, बुरा हाल हो रुका है इस रोड का, ये टूट रखी है पूरी, बारिश पड़ पड़ के या पता नहीं बर्फ पड़ पड़ के, ये देखिए वाओ काफ़ी ख़तरनाक है दिस रोड, इट्स टू स्लिपरी और गीली भी, और पानी पानी है इसमें, कोई चक्कर नहीं। तो ये सामने हाल देखिए आप, कितना ख़राब हो रखा है, चिक्कड़ ही चिक्कड़ है नीचे, या कीचड़ कह लीजिए, ओहो ऊपर से ट्रक का धुआं, मतलब पीछे तो बहुत ही बुरा हाल था, उस टाइम मैंने GoPro ऑन नहीं किया, लेकिन इस टाइम देखिए आप छिट्टे उड़ उड़ के आ रहे हैं ट्रक के, मतलब कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसे हो रखा है,
मैं इकलौता बाइकर हूँ जो इस रोड पे जा रहा है और कोई नहीं है मेरे अलावा। तो ये देखिए मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सी टनल कुल्लू को जा रही है, ओल्ड सा लग रहा है पूरा, पक के अलग ही फील आ रही है। और देख सकते हैं अब इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर पानी कहाँ से आया है, मतलब गाड़ियों से ही आया है ये तो काफ़ी बारिश हो रखी है। सड़क बहुत ही खतरनाक है, इतनी ऑफ रोडिंग, इतने वाटर क्रॉसिंग्स और इतना कुछ है, मतलब इतने इतने खड्डे हैं, चिक्कड़ है जिसपे आप स्लिप कर सकते हो बाइक पे। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं भुंतर से 18 किलोमीटर पहले। रास्ते में बहुत ही खस्ता रोड थी, बहुत ही हालत ख़राब है जो आप लोगों ने देखी। और फिलहाल मेरे जूते देख सकते हैं आप, मैं आपको जूते दिखाता हूँ कितना कीचड़ में से निकल के आया हूँ मैं। तो इस जगह पे आके मैं खा रहा हूँ पालक की टिक्की, जो बहुत ही यम है, भाई बना रहे हैं यहाँ पे, पालक की टिक्की बोलते हैं यहाँ की स्पेशलिटी है ये, तो बहुत ही यम है। पहले एक दो पीस खाए मैंने, दो और ऑर्डर किए हैं क्योंकि बहुत टेस्टी, और चटनी बहुत बढ़िया भैया आपकी, चटनी और डाल देना ठीक है जी। तो मैं जूते दिखाता हूँ, आप मेरे जूते देखना, ये हालत मेरे जूतों की हो रखी है इस टाइम बाइक चला चला के। लेकिन यही एडवेंचर है, एनर्जी अभी भी फुल ऑन है, जज्बा भी फुल ऑन है। आपका व्लॉगर भाई आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएगा ऐसी लाइफ में, बस साथ बनाए रखना, सब जाएंगे मंजिलों में, कोई अंधेरे से फिक्र नहीं, कोई रास्ते से फिक्र नहीं, मंजिलें दिखाएंगे आपको खूबसूरत खूबसूरत सी। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई शिकन नहीं है चेहरे पे, फुल ऑन एनर्जी है, फुल कैम है थोड़ा भरा, डोंट वरी, अब जाके आपको रास्ते में मिलेंगे। ऑलराइट ठीक है। तो ये है जी कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, भुंतर एयरपोर्ट भी कहते हैं जिसको, बंद है, बंद तो पता नहीं फ्लाइट आती नहीं आती। तो ये है जी भुंतर, टाइम हो गया है 9:15, तो ये भुंतर है, काफ़ी घंटे हो गए चले चले को। चलो कोई ना, पूछते हैं आपको सवाल के लिए रास्ता कहाँ से है, किसी से, किसी अपने भाई से पूछते हैं। सीधा कितना किलोमीटर लिखा हुआ है बोर्ड, तो सामने ही है कसौल का रास्ता, बोर्ड लगा हुआ है, भाई कह रहा है वहां जाके आप पूछ सकते हैं किसी से भी। तो ये पुल क्रॉस करना है जी कसौल जाने के लिए, मणिकरण भी इधर ही है, हमने रास्ते में पढ़ लिया चौराहा आया है, तो पुल बहुत ही सही है। नीचे देख सकते हैं ब्यास और ऊपर क्या लिखा है जी, पार्वती प्रोजेक्ट मणिकरण। तो ये हम पुल के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत पुल है ये कसौल को जाता है। अब यहाँ से राइट साइड भुंतर है, अब ये देखना पड़ेगा कि कसौल लेफ्ट है या राइट है। तो लेफ्ट साइड मुड़ना है, मैंने पूछ लिया है, गोप्रो ऑफ कर दिया था। तो ये जा रहा है जी सीधा कसौल को, तो अब जा रहे हैं फाइनली अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से कसौल है 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर है मणिकरण साहिब। तो ये फाइनली बहुत ही खूबसूरत सड़क कसौल को जा रही है, आप देख सकते हैं ये सड़क बहुत बेहतरीन बनी हुई है, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं प्रॉपर, अच्छी सड़क है, पक्की सड़क है, तो बहुत ही अच्छी है ये रोड। तो चढ़ाई चढ़ाई है अभी फिलहाल, सिंगल रोड है लेकिन बहुत प्यारी बनी हुई है। आई रियली वॉन्टेड टू गो टू कसौल काफ़ी टाइम से, तो फाइनली आज ही मैं अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूँ, वन ऑफ माई ड्रीम्स। अभी तो बहुत राइड्स करनी है, बहुत जगह जाना है, बहुत ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आप लोग भी उस ड्रीम में मेरा साथ बनाए रखना, आप लोगों को भी दिखाऊंगा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, तो साथ बरकरार रखना। तो फिलहाल हम जा रहे हैं कसौल, तो वो आप देख सकते हैं आग लगी हुई है पहाड़ों में, थोड़ी सी आग लग जाती है ना पूरे पहाड़ में फैल जाती है, कैसे लाइन में जा रही है ऊपर से नीचे, पता नहीं नीचे से ऊपर आ रही है, कैसे लगी होगी। तो ये बहुत बुरी चीज़ है यार, पता नहीं कितनी फैलेगी, बारिश बुरिश होएगी तभी रुकेगी ये, अगर आपको दिख रही हुई तो। काफ़ी दूर है, वो मेरी नज़रों से काफ़ी पास है, गोप्रो में है, पता नहीं कितनी पास दिख रही है, दूर दिख रही है। तो आप देख सकते हैं सब बंद हो चुका है, मतलब सड़क पे कोई नहीं है दूर दूर तक, आपका भाई जा रहा है बस, कोई कोई गाड़ी आती है 10-15 मिनट बाद। तो यहाँ से अभी कसौल है 15 किलोमीटर, जैसे छोटा गांव आया अभी, ऐसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। और हे डॉगी गेट अ साइड। तो ये मोड़ आ गया सामने मेरे, इधर को है 19 किलोमीटर मणिकरण, तो हमने जाना इधर मणिकरण वाले रोड पे ही है कसौल। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उस साइड शाट है, कोई जगह है शाट, इधर मणिकरण है 19 किलोमीटर, उससे 5 किलोमीटर पहले ही कसौल है, तो हमने जाना है कसौल। तो ये काफ़ी भाई चले हुए आगे मेरे जैसे, UP 16 नंबर नोएडा का, तो ये भी जा रहे हैं कसौल को शायद, आगे आगे अभी मिला इतने टाइम बाद कोई। तो अभी थोड़ी चढ़ाई है, जब से हम वो मोड़ मुड़े हैं ना मणिकरण साहब वाला, वहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है, पहले काफ़ी नीचे को आ रहा था मैं, अब ऊपर को चढ़ाई है। तो भाई भी वहीं जा रहा है, अच्छी बात है, थोड़ी लाइट दे रहा है मेरे को, तो काफ़ी क्लियर हो रहा है आगे देखना। गैर मेरे बाइक में भी काफ़ी लाइट है, फॉग लैम्प्स लगवा रखे हैं मैंने, बाकी
टैंक फुल करवाया था, हाफ से नीचे हो गया है काफ़ी क्योंकि चढ़ाई है, तो रिफिल करवाना पड़ेगा। एवरेज जो बाइक इस टाइम दे रहा है हमारा हिमालयन वो है 30 की, तो 30 इज नॉट अ बैड एवरेज हिल्स पे, 30 इज गुड। तो फाइनली आई एम इन कसौल आफ्टर राइडिंग फॉर 300 किलोमीटर्स। तो अभी किसी होटल में जाके चेक इन करेंगे और फिलहाल आग सेक लेते हैं थोड़ी। रास्ते में सामान सारा बैग एज इट इज पे है, नीचे बॉनफायर लगाया भाई ने, तो यहाँ पे आग सेक लेते हैं, उसके बाद जाके होटल में चेक इन करेंगे। इट्स ऑलरेडी टू लेट, इट्स 10:30। तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है ना, व्हाट नेक्स्ट। हाथ सेक लेते हैं, ग्लव्स पहने नहीं थे तो हाथ काफ़ी ठंडे हो गए। ऑलराइट, आई एम गोना सी यू इन माय होटल, वेयर एवर आई गो आई विल चेक इन, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो पता नहीं लाइट आ रही कि नहीं आ रही। दिस इज़ द होटल जिसमें मैंने चेक इन किया है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। यहाँ पे बाइक को पार्क कर दिया, अब इसको निकालेंगे हम यहाँ से और फिर ऊपर लेके चलते हैं। बाइक पार्क्ड, ऑल सेट, और ये वो होटल है जो मैंने लिया है, होटल कृष्णा पैलेस। ये मेरे को मिला है 600 रुपीज़ में बार्गेन करके, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, कहाँ भटकना इस टाइम। अब तो मैंने यही ले लिया क्योंकि रेस्ट भी करना है, सुबह उठ के और जगह भी जाना है, तो कल आराम से कसौल को एक्सप्लोर करेंगे। अब ऊपर जाते हैं कमरे में, आपको वहाँ जाके मिलते हैं। राइट, द रूम फॉर टुनाइट गाइस, दिस इज़ द रूम कसौल में, छोटा सा टीवी, इधर का व्यू सुबह दिखाऊंगा, वैसे कुछ भी नहीं है इधर, जल्दबाजी में ही मिला। तो अभी जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि खाना बंद हो गया यहाँ पे, तो मार्केट में मिलेगा खाना, होटल में बंद हो गया, किचन क्लोज हो गया, तो मैं भाग के जा रहा हूँ, वो भी 15 मिनट रह गया। मैं अभी गया और अभी आया, फिर आके गुड नाइट करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो फिलहाल खाना लेके मार्केट से वापस आ गए और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। काफ़ी लंबा चला गया कल शाम से, काफ़ी लंबी जर्नी रही 300 किलोमीटर की, तो बाकी कल जारी करेंगे ब्लॉग को। टिल देन टेक केयर, आई विल सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, ब्लॉगर मनीपाल साइनिंग ऑफ। अस्ता ला विस्ता, बाय बाय।